इलेक्शन कमीशन ने आयन की खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। शहजाद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मुतालिबा कर दिया। एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी शहजाद इकबाल का कहना है कि अब मुमकिन नहीं है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि किसकी वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई है और किसने आयन की खिलाफ वर्जी की है। और मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन जिसको 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए थे, ये सारी जिम्मेदारी उन पर आती है, क्योंकि अगर वो सदर से मुशावरत कर लेते तो इलेक्शन की तारीख आ जाती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह क्या होगी वो ही बताएंगे। शहजाद इकबाल ने मजीद कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया है और 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन आयन के खिलाफ वर्जी किसकी वजह से हुई और किस इदारे की जिम्मेदारी थी, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट को जरूर फिक्स करना चाहिए ताकि आइंदा के बाद इस तरह के ताखीरी हरबे ना अपनाए जाएं। डोंट वरी, फूड पांडा संभाल लेगा।